और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, राउत के घर पहुंच गए हैं उद्धव ठाकरे। राउत के परिवार से मिलने के लिए उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं। वैदेही इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हुई है। वैदेही, उद्धव ठाकरे राउत के परिवार से मिलने पहुंचे? जी बिल्कुल, जब मैं फिलहाल खड़ी हूँ मैत्री बंगले के पास और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर संजय राउत इनका ये बंगला है और यहाँ पर जो है वो उद्धव ठाकरे अभी 5 मिनट पहले जो है वो इस घर में आए हैं और यहाँ पर घर पर संजय राउत, इनकी माँ, इनकी पत्नी और उनकी दो बेटियाँ फिलहाल है और उनसे मिलने के लिए यहाँ पर उद्धव ठाकरे खुद जो है वो आए हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे, इनके साथ शिवसेना के काफ़ी नेता भी है, इसमें रविंद्र वाईकर भी है, अरविंद सावंत भी है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर कुल मिलाकर जिस तरह से कार्रवाई फिलहाल संजय राउत पर की गई, इस पूरे मामले में जो है वो चर्चा करने के लिए यहाँ पर खुद उद्धव ठाकरे यहाँ पर आए हुए नजर आते हैं। एक तरफ शिवसेना की पूरी साइड जो है वो संजय राउत इन्होंने संभाली थी, विरोधकों पर चाहे वो किस तरह से शाब्दिक हमला किया जाए या किस तरह से विरोध किया जाए, ये पूरी जिम्मेदारी जो है वो शिवसेना की संजय राउत इन्होंने संभाली थी। और अभी जिस तरह संजय राउत पर कार्रवाई की गई है, इसी कार्रवाई को लेकर आज उद्धव ठाकरे खुद संजय राउत इनके घर जो है वो यहाँ पर आए हुए नजर आते हैं। शिवसेना के काफी सारे लोग जो है वो भी यहाँ पर आए हुए नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि फिलहाल यहाँ पर जो है वो शिवसेना के काफी सारे कार्यकर्ता भी मौजूद है। क्या कहेंगे आज यहाँ पर उद्धव ठाकरे आए हैं? कुछ उद्धव ठाकरे जी अभी संजय राउत जी के मातोश्री को मिलने के लिए आए हैं। अभी उनको बल देने की ज़रूरत है, उनको हिम्मत बढ़ाने की ज़रूरत है कि जो चीज़ हुई नहीं उसके लिए जानबूझ के अगर उसके अंदर उसको फंसाया जा रहा है तो ये बात ठीक नहीं है। हम तो ये मांग करना चाहते कि जो लोग अभी बीजेपी में गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग गए हैं, क्या उनके भी आप इस तरह से चौकसी करने वाले हो, उसकी भी इंक्वायरी करने वाले हो? वो चाहे फिर भावना गवली जी होने दो, तुम्हारे कृपा शंकर सिंह जी होने दो और बाकी आप सरनायक जी होने दो, क्या आप उनकी इंक्वायरी करोगे? जब किरीट सोमैया जी ने जितने आरोप किए थे, भाई ये लोग भ्रष्टाचारी, इन्होंने कितना करोड़ का भ्रष्टाचार किया है, वो बीजेपी जाने के बाद में सारे पूरे धूले चावल की तरह हो जाते हैं लोग। जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है काफी कार्यकर्ता फिलहाल यहाँ पे आए हुए नजर आते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता जो है वो इस मंत्री बंगले के बाहर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे आज उद्धव ठाकरे खुद यहाँ पर आए हैं? बोला आज उद्धव ठाकरे खुद यहाँ पर आए हैं? उद्धव साहब आए हैं क्योंकि शिवसेना के नेता संजय राउत जी साहब जो हमारे सम्माननीय नेता है और वो शिवसेना की बुलंद तोप है, उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई वो केंद्र सरकार ने सूझबूझ से किए हैं। इसके लिए उनके जो घर के जो है फैमिली मेंबर है उनका मिलने के लिए आए हैं। समर्थन के लिए काफी सारे शिव सैनिक यहाँ पर जो है वो फिलहाल दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह की कार्रवाई संजय राउत इन पर की गई है उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर जो है वो ये शिवसेना के कार्यकर्ता फिलहाल आए हुए नजर आ रहे हैं। और खुद उद्धव ठाकरे फिलहाल संजय राउत इनके घर है जिनके साथ काफी सारे शिवसेना के बड़े नेता भी मौजूद है और पूरे इस मामले में किस तरह अभी एक्शन किया जाए, इस पूरे मामले में जो है वो चर्चा भी इसी बैठक में तय होगी, ऐसी सूत्रों से जानकारी मिली है। तो ये अपडेट इस वक्त वैदेही हम तक पहुंचा रहे हैं और ये रिएक्शन जो आया है, एक तरफ एकनाथ शिंदे ने कहा था कि ये भोंपू जो सुबह सुबह बसता था वो बंद हो गया, अभी शिवसेना के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि संजय राउत तो शिवसेना की एक बुलंद तोप हैं, तो अब तोप को गिरफ्तार करोगे तो उद्धव ठाकरे को पहुंचना पड़ेगा और उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं। हमारे साथ अंकुर त्यागी इस वक्त जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुर, आप अदालत के पास इस वक्त मौजूद है, लगभग कितनी देर के बाद ये पेशी होगी और यहां पर तो कम से कम वो तथ्य देने पड़ेंगे जिसका इंतजार हम लोगों को भी है, जनता को भी है कि ईडी किन फैक्ट्स के आधार पर ये रिमांड मांग रही है? देखिए, पहली बात है कि अभी फिलहाल मेडिकल का वक्त चल रहा है, जीजी हॉस्पिटल में इस वक्त मेडिकल चल रहा है और तकरीबन अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है 2:30 से 3:45 बजे का वक्त होगा जब संजय राउत को मुंबई के सेशंस कोर्ट में, जो पीएमएलए कोर्ट है, उसमें पेश किया जाएगा। अब आगे क्या होगा इसमें, बेसिकली जब एक बार अरेस्ट मेमो शो कर दिया जाता है उसके बाद रिमांड की पूरी कॉपी बनाई जाती है। रिमांड की कॉपी के अंदर वो तमाम पॉइंट्स ईडी को मेंशन करने होंगे जिनके बिहाफ पर आगे की रिमांड चाहिए संजय राउत की, वो तमाम अभी तक की इन्वेस्टिगेशन को बताना होगा कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में अगर किसी भी तरह का उनको ऐसा लगता है कि लूप होल्स थे या फिर जो प्यूरी थ्योरी जो लैंड को लेकर बताई गई या जो इनकम सोर्स को लेकर बताई गई या फिर जिस तरीके से पूरे का पूरा डील हुआ या मनी को पूरा डाइवर्ट किया गया अलग अलग चैनल के जरिए, वो तमाम पॉइंट्स वहां पे बताने पड़ेंगे। और इसके अलावा उनको ये भी बताना होगा कि अब यहां से इसके आगे जब वो रिमांड के लिए जा रही है संजय राउत की, तो उनकी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होने वाली है, वो किस आधार पर और किन किन पॉइंट्स के ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाना चाहती है, कहां पर ऐसा होगा जहां संजय राउत का रोल
जो है वो एस्टेब्लिश होता है। भले ही वो 1,60,00,000 का जो अमाउंट है जो कि प्रवीण राउत ने अलग अलग चैनल अलग अलग सोर्सेज के जरिए संजय राउत और संजय राउत के आसपास के लोगों को दिया, या फिर जो अलीबाग का जो प्रॉपर्टी खरीदी गई पूरी तरह कैश में खरीदी गई, उसके लिए देना पड़ेगा, ये तो डिटेल देना पड़ेगा और इसको जानना भी चाहिए। वैदेही के पास एक बार फिर से चल रहे हैं क्योंकि वो इस वक्त संजय राउत के घर के बाहर मौजूद हैं और वहां पर पीछे कार्यकर्ता नारेबाजी भी कर रहे हैं समर्थन में। कल भी हमने वैदेही यहां पर देखा कि काफी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे और अब तो चूंकि शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं तो जोश है कार्यकर्ताओं में। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर संजय राउत इनके घर के बाहर फिलहाल यहाँ पर घोषणाबाजी करते हुए नजर आते हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या कहेंगे आज संजय राउत के यहाँ पर समर्थन करने के लिए यहाँ पर शिवसेना के कार्यकर्ता मौजूद है, क्या कहेंगे? जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, ईडी लग रहा है, सीबीआई लग रहा है, लेकिन बीजेपी के नेताओं पर कुछ नहीं लग रहा है। जो कुछ है वो शिवसेना के नेताओं के ऊपर ही, ईडी सीबीआई जो भी इंक्वायरी है वो उनके ऊपर ही लग रहा है। बीजेपी के नेता क्या स्वच्छ है, क्या इतना स्वच्छ है क्या? नहीं है, लेकिन उनके ऊपर कुछ नहीं, सब है वो शिवसेना के नेताओं के ऊपर, संजय राउत के ऊपर ही क्यों, लेकिन वो ज्यादा बोलते हैं, बीजेपी के नेताओं को नड़ते हैं, इसीलिए उनके ऊपर ही ईडी लग रहा है, उनके इसीलिए सब समर्थन के लिए आए इधर। अब क्या कहेंगे क्योंकि उद्धव ठाकरे भी यहाँ पर आए हैं? देश की लोकशाही आज वेंटिलेटर पे है, अगर ओपोजिशन लीडर को ऐसा सताया जा रहेगा तो आज लोकशाही इस देश में रहेगी ही नहीं। हमारे आगे जो पीढ़ी आने वाली है वो भी आज संकट में है क्योंकि उनको उनकी भी आवाज ऐसे ही दबने वाली है, यही हम लोग का कहना है। सर क्या कहेंगे क्योंकि जिस तरह शिवसेना पर एक्शन किया जा रहा है, संजय राउत पर कार्रवाई जो है वो हो चुकी है, क्या कहेंगे इसमें? एक्चुअली कार्रवाई चले गलत है, ये गलत कर रहे हैं। जो कार्रवाई करना हो मांगते हैं उनके ऊपर रोक हो नहीं हो रहा है। हम लोग को शिवसेना के ऊपर अन्याय क्यों हो रहा है कि वे गद्दार लोग उनके पास 40 लोग गए उनके पास नहीं हो रहा है, क्योंकि अन्याय होना है अपने को। संजय भाऊ ज्यादा आवाज चलाते हैं, आवाज उठाते हैं, इसके लिए उनको ये शिवसेना के कार्यकर्ताओं को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं को ऐसा दबाया जाएगा तो लोकशाही कैसे चलेगी। अश्विन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विन, लोकशाही की याद शायद तभी आती है जब आप विपक्ष में चले जाते हैं, जब सरकार में होते हैं तो आप नवनीत राणा की गिरफ्तारी को, सुंदरकांड के पाठ को या हनुमान चालीसा के पाठ का कोई ऐलान करे तो वो भी आपको लगता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की सिचुएशन है और गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। और आज ईडी घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर रही है तब भी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि लोकशाही खत्म हो रही है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कही बात आपने कि नवनीत राणा की गिरफ्तारी होती है, राष्ट्रद्रोह जैसा मामला उनके ऊपर चलाया जाता है, सिर्फ हनुमान चालीसा वो जो है पढ़ना चाह रही थी उद्धव ठाकरे के घर के बाहर। उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा वो पढ़ना चाह रही थी, इसका समर्थन तो जाहिर सी बात है कि कोई नहीं करेगा, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर आरोप जो है केस दर्ज किया गया, 14 से 15 दिनों तक उन्हें जेल में रखा गया, वो भी एक तरह से प्रतिनिधित्व करती हैं अमरावती की, सांसद हैं, उनके पति विधायक हैं, तो उस वक्त जो बातें वो किया कर, यानी कि नवनीत राणा और उनके पति किया करते थे उस वक्त, वो सारी बातें अब संजय राउत और उनका जो है गुट कर रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। और आज नवनीत राणा बेहद खुश हैं, उन्होंने कई बार उनका देखा कि आया है टीवी पे आकर कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक हो रही है, घोटाले करने वाले तो जेल में ही होने चाहिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है गिरफ्तारी पर आदित्य ठाकरे का बयान आया, राउत की गिरफ्तारी पर आदित्य ठाकरे का बयान आया, उन्होंने कहा कि आवाज उठाने वालों की गिरफ्तारी हो रही है। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि आवाज उठाने वालों की गिरफ्तारी की जा रही है, संजय राउत की गिरफ्तारी पर उन्होंने यह बयान दिया है। महाराष्ट्र को खत्म करने की साजिश हो रही है, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, विरोध करने वाले टारगेट पर हैं, आवाज उठाने पर ईडी जांच कर रही है। गिरफ्तारी के बयान, गिरफ्तारी की खबर पर आदित्य ठाकरे का यह बयान आया। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि आवाज उठाने वालों की गिरफ्तारी हो रही है, बीजेपी पर निशाना साधते हुए वो ये भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को खत्म करने की साजिश है, विरोध करने वाले टारगेट पर हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गिरफ्तारी हुई संजय राउत की,